नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल यानी 23 सितंबर को सिनेमा डे के दिन भारत में पहली बार नेपाली फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज हुई है, जिसमें कि हमें लीड रोल पर प्रदीप खड़का और क्रिस्टीना गुरुंग देखने को मिली है। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर है चेतन गुरुंग एंड संतोष सेन। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के लिए हिंदी सिंगर्स के तौर पर जुबिन नौटियाल और राहत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स ने भी अपनी आवाज दी है। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइगर श्रॉफ ने प्रेम गीत 3 पर क्या रिएक्शन दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन आया है प्रेम गीत 3 पर। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए क्या कहा है, प्रदीप खड़का के लिए क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जब मैंने प्रेम गीत 3 देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई सिर्फ 5-6 करोड़ में इतनी अच्छी मूवी कैसे बना सकता है। इस फिल्म के एक्शन सीन्स, इस फिल्म की वाइब मुझे पूरी तरह से ऐसी लग रही थी जैसे कि मैं कोई बाहुबली मूवी देख रहा हूँ। प्रदीप खड़का और क्रिस्टीना गुरुंग दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया है। मैं उनकी एक्टिंग से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं इस फिल्म के मेकर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाने का साहस किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ के बजट में। दोस्तों, इतने कहकर टाइगर श्रॉफ ने अपनी बात खत्म कर दी। तो आप लोगों को टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन प्रेम गीत 3 पर कैसा लगा, प्लीज मैं अपनी राय कमेंट सेक्शन पर लिख भेजो। और साथ साथ ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।